हेलो गाइस गाइस, अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं सो प्लीज प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके लिए। जिस कंपनी को आप ज्वाइन किए हैं या फिर करने वाले हैं उसके बारे में अच्छे से इंक्वायरी ले लें आप। देन ज्वाइनिंग के बाद आप उस कंपनी पे उंगली मत कीजिए, क्योंकि गाइस आप तो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन आपको देखकर कितने लोग ऐसे हैं जो उस कंपनी को लेकर फ्रॉड बोलते हैं और उससे गुडविल खराब होती है उस कंपनी की। मैं आपको ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक वीडियो क्लिप है जिसमें एक बंदा बोल रहा है कि मेरा 17 लाख का नुकसान हुआ है, यानी कि उसका ऐसी कंपनियों से एक दो नहीं पूरे के पूरे 17 लाख का नुकसान हुआ है। दोस्त आगे बताने से पहले आप एक बार खुद इस वीडियो क्लिप को देख लें। तो ऐसे जैसे मैंने बोला, उन्होंने प्रोसेस बताया और ऐसा बिजनेस करने को स्टार्ट किया, तो हमने लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया कि हम बिजनेस कर रहे हैं, जैसे उन्होंने किया था कि हम बिजनेस कर रहे हैं, आप भी आ जाओ इस बिजनेस में, बहुत अच्छा रिटर्न्स है, जबकि हमको रिटर्न्स का कुछ भी पता नहीं था। बट बिकॉज अभी जो पैसा लगे वो निकालना है तो प्रॉफिट तो कमाना पड़ेगा, तो वो उस चक्कर में हम लोग भी लोगों को इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ 6 महीने बाद मेरे मम्मी और मेरे मदर इन लॉ के नाम पे वापस 5 लाख रुपए जमा करके हमने डाल दिया। वो करने के लिए भी उन्होंने मदद की, जो भी गोल्ड लोन थे हमारे, जो भी हैंड लोन थे किसी से इंटरेस्ट पे लेके आना, ये ऐसा करके हमने वापस 5 लाख रुपए। तो ऐसे टोटल मिला के एक साल के रेंज में मेरा कुल मिला के कुछ 17.5 लाख रुपए उसमें अटक गया। तो कुल मिला के ये सब खर्चे और सब पकड़ के 20 लाख के आसपास मेरा अमाउंट है जो मेरे जेब से गया है इंटरेस्ट छोड़ के। जब हम दूसरे मीटिंग के लिए गए मलेशिया में, तो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे पिछले एक साल से, वो लोग मलेशिया से जैसे हम लोग वापस आ गए तो एक हफ्ते के टाइम में वो लोग गायब हो गए। गायब इन द सेंस उनके फ़ोन नंबर्स बदल गए। एक जगह होती है, एक मॉल पकड़ते हैं ये लोग, वहाँ पे बैठ के सब लोगों को काम करवाते हैं, तो उनको एसोसिएशन करके बुलाते हैं, तो एसोसिएशन से एक एक आदमी गायब होने स्टार्ट हो गया, जो सीनियर इनको मानते थे, जो बोलते थे हम सीनियर है, एक एक करके गायब होने लगा। तो थोड़ा हमको डाउट होने लगा कि ये क्यों जा रहे हैं, तो हमको बोला गया कि नहीं वो दूसरा मार्केट संभाल रहे, तो अभी आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो हैदराबाद जा रहे हैं, कोई पुणे जा रहा है, ऐसा बोला गया। उसके बाद जो हमारे साथ काम करते थे, जिन्होंने हमको रेफरेंस दिया था, वो भी एब्सकॉन्डिंग हो गए। फिर हमको पता चला कि कुछ गड़बड़ है, और एक दिन में तो ऐसा हुआ कि पूरा एसोसिएशन ही गायब हो गया। तो बोला गया कि कल से वहाँ पे काम नहीं होना है। संपर्क में मतलब मैं हॉट जोन में थी, मेरी सिस्टर जो थी उसके थ्रू से थी। एक्चुअली मैं और मेरी सिस्टर दोनों पार्टनरशिप में हम लोग एक शॉप ओपन करने वाले थे, तो उसके लिए हम अमाउंट जमा कर रहे थे। तो जनरली सुविजा पाई जो थी वो उनके ऑफिस में थी मेरी सिस्टर के, तो उन्होंने उनको सब मीटिंग्स वगैरह जैसे सर ने बताया अभी वैसे पूरा मीटिंग्स वगैरह करवाया था सब कुछ। और फिर मेरी सिस्टर ने मुझे हॉट जोन पे लिया था। मेरी सिस्टर ने ये सोचा कि मेरा अच्छा हो रहा है तो ज्योति का भी अच्छा हो जाएगा, तो उस हिसाब से उन्होंने हॉट जोन में लिया था मुझे। सर देखो अभी हम ज़्यादा तो कुछ हम लोग जो झेल रहे वो तो झेल ही रहे, बट ये जो 3 बच्चे आज की डेट में टीनेज जो है 3-4 लाख की अमाउंट के लिए बच्चे आज जान दे रहे हैं, तो हम लोग तो सहन कर पा रहे हैं, बच्चे लोग नहीं सहन कर पा रहे। और आज की डेट में मैंने अभी देखा है सर, मेरी नेबर में ही है, मेरी नेबर में एक टीनेज लड़की जो मतलब अराउंड अभी उसने 15 क्लियर किया है, टीवाई बीकॉम उसने कंप्लीट किया है, उसका ही फ्रेंड जो है वो उसको उसका ही फ्रेंड ने 3.5 लाख रुपये ऑलरेडी डाले है उसके डैडी को पूछे भी कर। बट मेरी जो नेबर है उन्होंने मुझे बताया कि दीदी आप एक बार मुझे लेके गए थे करके बोलते, सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि पैसा मत डालो। आज की डेट में भी मुलुंड में सब जगह पे हो रहा है सर। सो गाइस, आप ये समझ गए होंगे कि हर बार कंपनी ही गलत नहीं होती है, या फिर जो आपको दिखाया जा रहा है वही सही नहीं होता है, कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो पर्दे के पीछे होती हैं। तो आप ऐसे हर फील्ड में लोग मिलेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का माइंडसेट यही होता है कि वो किसी कंपनी ज्वाइन कर लें और वहाँ से जब अच्छा खासा पैसा कमा लें तो वहाँ से निकल जाएं, और जब वहाँ पर उनका दाल नहीं गल पाता है तो कंपनी को ही फ्रॉड बोलने लगते हैं। सो फाइनली गाइस, मैं किसी कंपनी को या फिर किसी पर्सन को गलत नहीं बोलूँगा, और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बहुत अच्छी होती हैं, बट उस कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में आप पूरी इंक्वायरी ले लें, और लेने के बाद यार उसके बारे में आप गलत मत बोलिए, उस पर आप उंगली मत कीजिए, क्योंकि गाइस इतनी बड़ी प्रॉब्लम में इस लॉकडाउन में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ ही हैं जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रही हैं, जो लोगों के साथ खड़ी हुई हैं, और न जाने कितने लोगों की इसे रोजी रोटी चल रही है, और यहाँ तक कि भारत की सरकार भी सपोर्ट नहीं कर पा रही है।